नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं आपका हमारा मनपसंद यूट्यूब चैनल टेक्निकल भदानी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज ही जियो स्टोर में एक नया ऐप का अपडेट आया है। वो नया ऐप ई मिंत्रा ऐप है, लेकिन वो बहुत लोगों के मोबाइल में ओपन नहीं हो रहा है। मतलब बहुत लोगों ने उसे इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल तो वो तुरंत हो जा रहा है, लेकिन वो इंस्टॉल मतलब ओपन नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत लोगों के मोबाइल में वो तुरंत ही इंस्टॉल ओपन हो जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपका भी फ़ोन में ई मिंत्रा ऐप इंस्टॉल नहीं हुआ है तो इंस्टॉल हो गया है लेकिन ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा किस तरह ओपन करें आप, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आप उसमें अगर आपका ओपन हो गया है तो उसमें आपको अकाउंट बनाने कहा जाएगा, क्या है उसका यूज़, वो सारी चीज़ें बताऊँगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो को। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जियो फ़ोन से रिलेटेड ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने तो इंस्टॉल नहीं किया है वो नया ऐप जो आज ही आया है, उस ऐप का नाम है ई मिंत्रा ऐप, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो आपको क्या करना है, सिंपली उसे इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल कर लीजिए, मैंने इंस्टॉल कर लिया है, इसे ओपन कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ओपन करने के बाद देखेंगे तो ये ओपन नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको बताया था, आपको करना कुछ नहीं है। आपको सिर्फ जैसे ही आप इसे ओपन कर लेंगे, आपको सिर्फ ओपन करके इसे वेट करना है थोड़ा देर, क्योंकि ये अभी नया नया ऐप है इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है। दोस्तों, जैसे ही देखिए मैंने थोड़ा वेट किया तो ये ओपन हो गया खुद पर खुद। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए ओपन हो गया है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको बताया था हूँ दोस्तों। ये मैं पहले आपको यहाँ पर कुछ दिखाया था इन्फॉर्मेशन, पे बिल दिया गया है विदाउट लॉगिन। दोस्तों, यहाँ पर क्या है, मतलब इससे आप बिल को पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल को। तो ये दोस्तों राजस्थान की तरफ से, सरकार की तरफ से हमें मिला है, तो यानी इसका हम हर स्टेट में यूज़ नहीं कर सकते। मतलब अगर आप इस राजस्थान में रहते हैं तो आपके लिए ये ऐप काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है, वरना आप कोई और स्टेट में है तो हो सकता है आपके लिए ये ऐप काम ना करे। दोस्तों, अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो आप इसमें अकाउंट बनाइए और बिल पे कीजिए ऑनलाइन अपने जियो फ़ोन से ही। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम यहाँ पर डालना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको यूज़र नेम दिख रहा होगा सबसे पहला ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम डालना होगा। तो मतलब आप जो भी ऐप से अपना नाम बन से अकाउंट बनाना चाहते हैं उस नाम को इसमें डाल दीजिए। और सेकेंड वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा पासवर्ड, तो पासवर्ड में आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको कोई पासवर्ड ले लेना है जो भी आपका मन करे, और यहाँ पर आपको 100 पासवर्ड में कर लें। तो जैसे ही आप कर लेंगे तो यहाँ पर आपको पहला में ऑप्शन दिखेगा लॉगिन। तो अगर आपने पहले से अकाउंट होगा तो आप इसे लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे साइन अप कीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप इसमें अकाउंट बना सकते हैं और बिजली बिल पे कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जियो फ़ोन से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, अगले मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।